पे जाएगा काम। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो विप्रो जॉब की, कि विप्रो में कौन कौन सी जॉब निकली हुई है और आप विप्रो की जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या है पूरा प्रोसेस। तो आप देख रहे हैं stuckyourkichai.com चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, इससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी हमारे पास जो ये रहती है शिकायत रहती है, वो ये है कि आप पूरी वीडियो देख लेते हो लेकिन फिर भी लाइक नहीं करते हो। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार की एजुकेशन और करियर से रिलेटेड न्यूज़ हम stuckyourkichai पर डालते रहते हैं। तो आज बात करते हैं विप्रो की, विप्रो में कौन कौन सी जॉब निकली है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं विप्रो के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है, हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये जो है विप्रो की ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं stuckyourkichai.com के आर्टिकल पे, जहाँ पर हमने पूरी की पूरी प्रोसेस बताया हुआ है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं विप्रो के लिए। तो यहाँ पे सीधा चलते हैं वहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है हमारी stuckyourkichai.com। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इसकी stuckyourkichai.com के वेबसाइट पर। यहाँ पर हम आपको बताएंगे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं विप्रो की जॉब के लिए, क्या क्या पूरा प्रोसेस है, क्या सैलरी वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो हम डाल देंगे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस देख के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमने इसका लिंक दे दिया, आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर आके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है इसका पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर जो आ चुके हैं, हम सबसे पहले आ चुके हैं विप्रो जॉब के लिए। तो जॉब के लिए जैसे आएंगे पेज को स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है विप्रो के बारे में, जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे इससे आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से पढ़ लें और इसे देख लें कि क्या क्या इसकी इन्फॉर्मेशन। पढ़ने के बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन हमने और दी हुई है थोड़ी सी, आप इसे भी देख सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लें और इसे भी देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत कुछ हमने कवरअप किया हुआ है। फिर पेज को स्क्रॉल अप करते हैं, यहाँ पर जो है हमने विप्रो कंपनी के बारे में कुछ बताया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है कंपनी के बारे में। तो अगर आपको कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद तो है, पेज को स्क्रॉल करते हैं, आप हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, मतलब क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए। तो देखो, बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो वो है आपके पास, वो होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद एज की बात करें तो एज कम से कम यहाँ पर जो है आपकी 18 साल होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो डिपेंड करेगी कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। तो यहाँ तक होता है क्लियर। पेज को स्क्रॉल अप करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स के बारे में हमने दे रखे हैं लिंक, आप इस पर क्लिक करके भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी जॉब निकाली गई है विप्रो ने, जो करंट में जॉब निकाली है, ये हमने दे रखे हैं डायरेक्टली यहाँ पर लिंक, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली इन पर क्लिक करेंगे, जैसे वैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से डायरेक्टली इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को हम आपको दिखा भी सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे किया क्लिक, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये पेज अभी हो रहा है लोड, जैसे ही लोड हो जाएगा तो यहाँ पर जो है ये देखो, ये जो है वेबसाइट आ गई विप्रो की। तो यहाँ पर जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो स्क्रॉल अप करने के बाद आप यहाँ से जॉब वैकेंसीज देख सकते हैं। यहाँ से जो है आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है आप कहाँ के लिए जॉब देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया के लिए, तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंडिया किया सेलेक्ट, और यहाँ पे जो भी आप जॉब के लिए देख रहे हैं उसे आप यहाँ पे कर दें अप्लाई, जैसे हमने किया सेल्स के लिए, अब आप इस पर कर देंगे क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे जाएंगी जिनके लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर जो है जैसे हमने किया सर्च आउट, तो सर्च आउट करने के बाद यहाँ पर जो है बहुत सारी वैकेंसीज जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। ये देखो, अब इनमें से आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना है वो यहाँ पर आप डायरेक्टली आके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये देखो, बहुत सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये देखो, और भी बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर, ये सारी की सारी वैकेंसीज आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर हैदराबाद के लिए है और मतलब बहुत सारी हैं, और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं सिटी वाइज, आप चाहें तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बेंगलोर हो गया, ये हो गया, नोएडा हो गया, इंडिया जयपुर, जिसके लिए भी आप करेंगे सेलेक्ट करके पहले आप इन्हें
पढ़ लें अच्छी तरीके से, यहाँ पे क्लिक करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख लें। इन्फॉर्मेशन देखने के बाद यहाँ पर जो है अप्लाई का जो आ रहा है बटन, आप कर दें इस पर क्लिक। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बारे में आपको पहले पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे जाएगी, जैसे कि यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। आपको जैसे आप इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। इन्फॉर्मेशन दिखाने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर डालना होगा, और ईमेल एड्रेस डालने के बाद ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है उसी जॉब प्रोफाइल के लिए जिस पर आपने क्लिक किया है। और यहाँ पर आप करेंगे इसके बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद आप इसके लिए अप्लाई का जो जो वो आएगा ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे और वहाँ से आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले ईमेल एड्रेस, क्योंकि ईमेल एड्रेस डालने के बाद पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप डायरेक्टली विप्रो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब है विप्रो में, जैसे कि आपने देखा है अभी, तो बहुत सारी जॉब है विप्रो में। आपको वो आप फॉलो करते हुए यहाँ पर जो है ये भी दे रखे हैं लिंक, आप इन्हें फॉलो करते हुए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे पेज को स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो है डायरेक्टली रिज्यूम सेंड कर सकते हैं आप इस ईमेल एड्रेस पर। अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं सेंड। और यहाँ पर हमें डायरेक्टली दे रखा है लिंक, ये लिंक जो दे रखा है ये दे रखा है ऑफिशियली लिंक दे रखा है। यहाँ से आप जहाँ पे अभी हम पहुँचे थे वहीं पे हम फिर से पहुँच जाएंगे और यहाँ से हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब वाइज लिंक दे रखा है, ये डायरेक्टली ऑफिशियल लिंक दे रखा है। आप इस पर क्लिक करें, बहुत सारी जॉब जो भी होगी वहाँ पे आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब सैलरी की बात करें तो सैलरी तो वही होगी जो जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। बात करें यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस यहाँ पे 5 राउंड में आपका होगा प्रोसेस। ये जब करेंगे आप क्वालिफाई, तो क्वालिफाई जैसे आप कर लेंगे देन उसके बाद आप ये जो आपने जोन से पोस्ट पे किया है अप्लाई वो आपको वहाँ पर हो जाएगा आपका प्रोसेस कंप्लीट और आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे कंप्लीट। अब बात करें इसकी इंपॉर्टेंट डेट की, तो डेट्स की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि प्राइवेट जॉब है, तो डेट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैसे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मिली होगी आपको, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहां से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इसे। और हम तुम्हें एक बार और दिखा देते हैं इसके ऑफिशियल पे, आप जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो है इसका करियर का जो पेज होगा वो होगा ओपन। यहां से आप दिखा देते हैं कि अगर आप उस लिंक पे क्लिक करके आते हैं तो आपको यहां पर क्या दिखाई देगा। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करके आए तो यहां पर आपको आप इस पेज पर आ जाएंगे। जैसे आप इस पेज पर आएंगे तो यहां पर जो है आपको बहुत सारी जॉब यहां पर जो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं वो वहां पे आपको दिखाई देंगे। तो यहां पे आप अगर अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो कर लें, या फिर ये जो पहले वाला आ गया है आप इसे भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटीज का किया है क्लिक, और अपॉर्चुनिटीज को क्लिक करने के बाद बहुत सारी जॉब यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी जॉब यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इनके लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली इनके लिए देख सकते हैं और डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पहले पहले आप आएंगे एशिया में, तो एशिया में आएंगे तो एशिया पे क्लिक करेंगे आप, फिर यहाँ पे आएंगे इंडिया पे क्लिक करेंगे, तो इंडिया पे क्लिक करने के बाद फिर जो इंडिया की जॉब है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो आप या तो यहाँ से देख लें या तो ऊपर से देख लें, बात एक ही हो जाएगी। ये देखो बात एक ही हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप डायरेक्टली विप्रो में अप्लाई कर सकते हैं। विप्रो बहुत ही बड़ी कंपनी है, अगर आपको आपके यहाँ पर जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो देन यू विल गेट अ बेस्ट सैलरी, मतलब 12 से 15 लाख पर एनम की सैलरी आपको यहाँ से मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस था विप्रो जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं हमें, और थम्स अप दे वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जॉब्स देख रहा है, तो दिखाएं उन्हें भी इस बारे में बताएं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी प्रकार की एजुकेशन और करियर से रिलेटेड न्यूज़ हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।